આજ કઈ વધુ ન બોલતા એટલું જ કહીશ કે 2/9/2000 શનિવારની બીજી સેશનમાં પૂજ્ય મૈયાને આપણે સાંભળીએ. બ્રહ્માનંદમ પરમ સુખદમ કેવલમ જ્ઞાનમૂર્તિમ દ્વંદ્વાતીતમ ત્રિગુણરહિતમ સદ્ગુરુમ અસતો સદગમય મૃત્યુર્મા અમૃત સદગુરુ ભગવાન દત્તાત્રેય નવનાથ તિરાસી સિદ્ધ સાધક દેવો મુનિઓ ઋષિઓ કો ભગવાન શ્રી દત્તાત્રેય કો ઉનકી આદ્ય શક્તિ અનઘા શક્તિ કે સાથ યહાં આમંત્રિત કરતી હું એવં यहाँ पधार के वे हम सब को प्रेरणा करें आशीर्वाद दें. साधक मात्र स्वरूपानुभूति की ओर दिव्य शक्तियों को प्राप्त करके अग्रसर हों इस हेतु में पूर्व उपरोक्त सिद्धों संतों ऋषियों का आप सब की प्रार्थना के साथ आवाहन करती हूँ. हरि ओम तत्सत. जय गुरु. अंतर यात्रा की ओर आज फिर तीन बात आपसे. जब तक आप स्थूल से मन से मेरे समक्ष हैं अपने सर्वांग को मेरे साथ रखने की कोशिश करिएगा.
आपका समग्रता युक्त चैतन्य तत्व इस तत्व के साथ जुड़ने की कोशिश करिएगा। गुरु के द्वार तक गुरु द्वारा बोलें, देव दर्शन बोलें। हम कल पहुंचे थे, द्वार खुले हैं, सदगुरु के दर्शन हम सब कर रहे हैं। अंतर यात्रा का प्रारंभ शक्तिपात योग के द्वारा, कुंडलिनी शक्ति जागरण के द्वारा, अपनी इच्छा शक्ति के जागरण के द्वारा क्रमशः होता है। उस अनंत को जो दिखाने वाला है वह चैतन्य तत्व, अनंत से ही अनंत को जाना जा सकता है। कोई पूर्ण ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी भी आत्म साक्षात्कार करके, स्वरूपानुभूति करके, अपने इष्ट देव में, स्व में, अपने इष्ट देव में अपने स्व को मिला के भी इस अनंत को संपूर्णतया जान सके यह संभव नहीं है। इस शरीर से जब 6 मास की समाधि स्थिति का अनुभव हुआ, मन बड़ा भर गया, सहज में वह शक्ति अपने पूर्ण स्वरूप में उपस्थित हो गई। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। कबीरा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहा। कबीरा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत है सदगुरु की महिमा, उसका कोई अंत नहीं। कबीरा सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। गुरु के उपकारों का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया। अनंत को देखने का लोचन नहीं खोला, लोचन अनंत उघाड़िया। अनंत प्रकार की दृष्टि साधक को मिलती है, लोचन अनंत उघाड़िया। हम समझते हैं अनंत को देखने का जो तीसरा नेत्र है वो खोल दिए, नहीं मात्र नहीं, इससे नहीं। लोचन अनंत उघाड़िया। आपके शरीर का, मन का, बुद्धि का, चित्त का रोम रोम खुल जाता है। रिसेप्टिविटी, ग्राह्य शक्ति अनंत हो जाती है। संत लोग, योगी लोगों को थोड़ा खाना पड़ता है, उनका एब्सॉर्प्शन पावर बहुत बढ़ जाता है अपने आप, भोजन से, साधन से। लोचन अनंत उघाड़िया। जहां भी देखते हैं गुरु ही दिखता है, कुछ न कुछ मिलता ही है स्थिति प्राप्त संत को, साधक को।
लोचन अनंत उघाड़िया। वास्तव में ध्यान से, भजन साधन से आप इतने तीक्ष्ण सूक्ष्म, इतनी पैनी दृष्टि वाले बन जाते हैं क्रमशः, कि जिस बात का आपको तिल मात्र भी बोध नहीं वह अपने आप समझ में आने लगता है। अभी भाई श्री ने बहुत अच्छा गाया है, गूंगा बोलने लगता है, पंगु लंघयते गिरिं, यह कोई गलत बात नहीं है, मुझे ही देख लो, गूंगा ही समझ लो। ये वेद वेदांत, ये पूर्ण ज्ञान की बातें अपनी क्या बस की है? पंगु लंघयते गिरिं, गधे से वेद, गधे से वेद पाठ हो जाता है, यह शरीर ही गूंगा ही समझ लो, न शास्त्र का बोध इस शरीर से, पूर्व जन्म की बात नहीं। पर सहज योग के द्वारा नित्य नियमित तीव्र मुमुक्षुत्व से ईश्वर प्राप्ति सहज और सरल हो सकती है। कल अच्छा लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत प्रकार की दृष्टियां खुलने लगती है। भ्रम है कि आरती बजाने से, मंदिर जाने से, मस्जिद जाने से, गीता पढ़ने से, रामायण पढ़ने से, गुरुचरित्र पढ़ने से भगवान खुश होता है, प्रत्यक्ष होता है। सबसे पहला मानव धर्म, पर पीड़न सम पाप नहीं। हम सबको सबसे पहले मानव धर्म का पालन करना चाहिए। मैंने बहुत से साधकों को देखा है, कभी कभी तो जो भजन साधन में प्रवृत्त नहीं होते हैं वे व्यक्ति बहुत ज्यादा अच्छे साधक मैंने अपने जीवन में देखे हैं। साधना मतलब सफेद कपड़े, रुद्राक्ष, जप, ध्यान, गौमुखी, मंत्र, टंट, घंट, साधना मतलब जीवन, योग मतलब जीवन, योग मतलब ध्यान। वह परमेश्वर सूक्ष्म में बड़ा खुश है। सभी देवी देवता, इष्ट देव, गुरुदेव व्यापक चैतन्य में रहते हुए भी अपने अपने मूल स्वरूप में भी अवश्य स्थित हैं, यह मेरा स्वानुभव है। पर जिसने भी उसे देखा है, जाना है, समझा है, सबके अंदर ही देखा है, प्रेम गली अति सांसरी, तामे दो न समाए, सब जगह उसको पांत पांत में चैतन्य चैतन्य में, पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा स्थान नहीं जो ईश्वर से, चीटी से, दत्तात्रेय महाराज से, कृष्ण कन्हैया से परे हैं। लेकिन उनका स्वयं का भी एक अस्तित्व है, जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या है? क्या वाजपेयी गवर्नमेंट है? क्या कोई कलेक्टर गवर्नमेंट है? क्या सेक्रेटरी गवर्नमेंट है? नहीं, सरकार सरकार है। इसी तरह बहुत कठिन है वैखरी में समझाना, तो उस अनंत को लोचन
अनंत उघाड़िया। आप बड़े सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे, ग्राह्य शक्ति का विकास होगा, अपने आप अहम का क्षय होगा। सब में रहते हुए, सब कुछ जानते हुए, सब कुछ करते हुए, हम और आप उसके दृष्टा बन करके अपने स्वरूप में अपने आप स्थित रहने लगेंगे। यत्र यत्र मनः जाति तत्र तत्र समाधयः। ये कोरा वेदांत नहीं है महाराज, ये पुस्तकिया ज्ञान नहीं है, यह एक बालक की वानुभूति है और बिल्कुल आप जैसे। कुछ ने मंत्र किया निष्ठापूर्वक, लेकिन हाँ एक बात अवश्य है, कल एक साधक ने रात में चिट्ठी लिखी थी, बहुत ही अच्छा साधक है जिसने भी यह लिखी है, कि वह जो कुछ आप सुने हैं कल, यह कितने जन्मों की साधना का अर्क है। मैं वास्तव में कहती हूँ कि यह सहज मार्ग बोलो, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बोलो, बड़ा ही सहज और सरल है, आनंददायक है, शाश्वत तक ले जाने वाला है, स्थाई संपत्ति है। यह भौतिक संपत्ति हम कमाते हैं इस जीवन के लिए, यह स्थाई संपत्ति है, बैलेंस है अपना, लेकिन यह जन्म जन्मांतर की साधना का, इस जन्म की साधना का कैसी साधना, करोड़ों बार मृत्यु को प्राप्त करने के पश्चात अनुभूति में आई हुई यह बातें जो आप सुन रहे हो पूज्य श्री से, इस शरीर से। योगी पल पल मरता है, साधक पल पल मरता है, फिर खड़ा होता है, फिर मरता है, फिर खड़ा होता है। अनेकों बार उसके जन्म जन्मांतर की ग्रंथियां, भावनाएं, प्रारब्ध, लेन देन, पैतृक संबंध, ऋणानुबंध से जुड़े हुए संबंध, दैहिक, दैविक, लौकिक, भौतिक, आदि भौतिक, कितने ही प्रकार के ऋणानुबंध जब पूरे होते हैं इस यात्रा के दौरान, कोई सलाह नहीं देगा कि भजन करो, भक्ति करो, लेकिन जरूरी नहीं सबकी यात्रा एक सरखी हो। आपने यह सब चुकते कर लिया हो, क्षण मात्र में हो जाए, मैंने इतना भोगा तैने बिल्कुल नहीं भोगना पड़े, क्या खबर। फिर भी शास्त्र कहता है, मैं भी कहती हूँ, इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, करोड़ों बार मरना पड़ा तो लगे कि अब जो बार मरना पड़े, पर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, एक न एक दिन हमारा आपका लेखा जोखा साफ होते ही अज्ञान मिट जाएगा, अंधकार दूर हो जाएगा, छम 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 करके मन नाचने लगेगा। लेकिन
रियाज करना पड़ता है, स्वर मिलाना पड़ता है, ताल में ताल मिलाना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है किसी भी क्षेत्र में। यहाँ तो सरल मार्ग है, सहज है। हरि ओम तत्सत जय गुरुदत्त मंत्र के द्वारा इस सहज योग से चित्त शक्ति का, गुरु शक्ति का जागरण अपने आप हो करके आपको स्व तक सहज में पहुंचा देता है। बात रहती है अपनी अपनी करनी की। निश्चित तो करते हैं, चल भी पड़ते हैं। एक बात अवश्य है कि कोई भी गुरु, कोई भी सिद्ध संत, कोई भी साधक, कोई भी योगी, कोई भी मित्र, कोई भी सखा आपका इस मार्ग का आपको बल दे सकता है, सहारा दे सकता है, कोई साधन दे सकता है, मंत्र के रूप में, यंत्र के रूप में, ज्ञान के रूप में, ये सब साधन है। दीज आर द वेपन। उसको लेकर के हमें जाना है आगे। अलग अलग वस्तुओं को कोई दे सकता है, लेकिन यात्रा तो हमें ही तय करनी है। एक माँ को चार संतान हैं, गुरु बड़े दयालु हैं, इष्ट बड़े दयालु हैं, कृपा अवतार हैं, बात सब ठीक है, लेकिन एक माँ के चार संतान हैं, एक कर्मठ है, दूसरा पड़ा पड़ा खाता है, तीसरा सोया ही रहता है, और चौथा दिन रात सेवा करके अन्न लाता है, द्रव्य लाता है, माता पिता की सेवा करता है, कौन सा प्रिय होगा? माँ को कौन सा बालक प्रिय होगा? सहज है, वही सिद्धांत साधना मार्ग में भी है। सदगुरु साथ है, आराम किया करो, टीवी देखा करो, फिरा करो, आनंद किया करो, तो साथ ही है। सब कुछ करो, लेकिन नित्य नियमित मंत्र से, ध्यान से, जप से एक ऐसा बैलेंस उपस्थित हो जाता है आपके शरीर में, एक ऑरा डेवलप हो जाता है जो आपको सभी परिस्थितियों में, सभी वातावरण में बैलेंस रखता है। आप जैसे प्रतिदिन सुबह से रात्रि तक भोजन लेते हैं, चाय लेते हैं, ये आवश्यक है। एक दिन नहीं लिया, दूसरे दिन उसके इफेक्ट्स आपके अंदर पड़ने लगेंगे। किसी को चक्कर आएगा, किसी को गैस होगा, किसी को एसिडिटी होगी, फलाना ढिकना कुछ भी अलग अलग होने लगेगा। सब कुछ पोषण देते हुए भी मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है। बहुत अच्छा खा लिया, नहा लिया, सिनेमा देख लिया, बागों में फिर लिया, बहुत अच्छे अच्छे मन की अनुरूप इच्छाओं को पोषण कर लिया, लेकिन फिर भी अंतर आत्मा को कुछ अच्छा नहीं लगता है। यह राजा से रंक तक महसूस करते हैं, तो क्या कारण है इसका? कारण फिर वही है कल वाला। वो जो चीटी है, वो जो शिव संगिनी है, वो जो गुरु शक्ति है, जो आद्य शक्ति है, जो हमारी आपकी प्राण शक्ति है, उसको कुछ नहीं दिया जाता। वो एक बाजू चुपचाप बैठी है और हम शरीर में सब डाल रहे हैं,
जब साधक भजन साधन ध्यान जप सदकर्म करने लगता है, ईश्वर की ओर चलने लगता है, तब वह शक्ति खुश होती है, उसको पोषण मिलता है। उसका खुराक है एकाग्रता, ध्यान, जप, यज्ञ, सदकर्म, सेवा। यह स्थिति का खुराक है, यह सहज खुराक है। जिस प्रकार से शरीर का खुराक सहज है, वैसे वह चिति शक्ति का यह सहज खुराक है। अब अगर उसको निग्लेक्ट किया जाता है और शरीर को पोषण दिया जाता है, तो एक और एक दो का यह सिद्धांत है, जब एक नहीं है तो दो होगा ही नहीं, एक का एक ही रहेगा। तो अगर दोनों बाजुओं को देखा जाए, आत्मा और परमात्मा रूपक के रूप में, वैखरी में, इसी तरह साधक को सहारा लेना पड़ता है। भले आत्मा ही परमात्मा हो, चाहे परमात्मा ही आत्मा हो, लेकिन वैखरी में अमुक बात नहीं स्पष्ट हो पाती। तो इस आत्मा का पोषण हम करते हैं, परमात्मा का पोषण खाली अगर रह जाता है तो स्पष्ट है कि अभाव रहेगा ही। अब जब शक्तिपात होता है या वह शक्ति जागृत होती है, जागृत का मतलब क्या है, आपकी दृष्टि पड़ी, कल से आपकी दृष्टि पड़ी कि अब मेरे अंदर कोई शक्ति है, चलो आपने देखा तो सही, अब वो खुश होने लगी कि मेरी ओर इस जीव की दृष्टि तो पड़ी। एक बात सहज है, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। हमें आपको अपने अंदर कम ही दिखता है, हम सब बाहर ही देखने के आदि हैं, और जो बाहर दृष्टिगोचर होता है वही हमें ज्यादा अच्छा भी लगता है। ह्यूमन साइकोलॉजी की मैं बात कर रही हूं। जैसे कोई बालक है, बड़ा हो गया 25 साल का, अब उसकी शादी की बात चल रही है, सगाई की बात चल रही है, उसके मन की स्थिति क्या है, कैसी होगी कैसी नहीं, क्या होगा मेरा, अच्छी होगी बुरी होगी, काली होगी गोरी होगी, अच्छे गुण वाली होगी स्वच्छ होगी, कितनी सी बातें मन में घुमराती रहती हैं। फिर शादी हो जाती है, हरिओम।